Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is my air apple, PCP air apple, PX100 chilies, जो Pixel कंपनी के, Pixel Sports कंपनी आई मीन. तो ये गन को मैंने 3 साल पहले लिए और लगातार 3 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो आज तक इस गन में तो मुझे कुछ डिफेक्ट नहीं मिला है, लेकिन आफ्टर थ्री एंड हाफ ईयर्स इस्तेमाल करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे जो इसका जो मैंने टिप खोला हुआ है, यहाँ पे मैं एक्चुअली सप्रेसर यूज़ करता हूँ, प्लग इन प्लग आउट सिस्टम वाले. तो 3 साल हो चुके हैं इस गन को इस्तेमाल किया हुआ. तो क्या हुआ कि मुझे तकरीबन 2-3 दिन से इस गन में थोड़ा एयर लीकेज का प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है. तो लीकेज जो है आपका मेरे ये सिलेंडर और रिसीवर के बीच से हो रहा है एयर लीकेज. अगर इसमें मैं अगर पानी लगाएगा तो इसमें बबल्स निकल आता है. तो जो मेरा लीकेज जो है एक्चुअली में ये रिसीवर इस साइड से नहीं है, सिलेंडर साइड से. तो यानी कि मुझे इस सिलेंडर साइड के ओरिंग को चेंज करने हैं. अगर हाँ रिसीवर साइज होता है तो आप रिसीवर को पूरे खोलने के बाद इस चैम्बर के अंदर के जो है बॉडी के अंदर का जो मेन जो फंक्शन जो इससे जहाँ होता है, तो इसके अंदर आपको छोटा सा 2 ओरिंग रहता है, तो उसको आप चेंज करना होता है. तो फिलहाल के लिए तो मैं इस साइड के मैं ओरिंग चेंज करूँगा. और इसे कैसे खोलना, कैसा बनाना, कैसे जोड़ना है तो आपको मैं करके दिखाऊंगा. अगर आपके पास भी अगर आप स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल लेकर रखते हैं तो कोई दरकार नहीं है इस बंदे को आप मुंबई या कहीं रिपेयरिंग शॉप पर ले जाने के लिए. आप खुद घर बैठा बैठा बना सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, कोई इतना तकलीफ नहीं है. बहुत ही आसान चीज़ है. सारे के सारे पार्ट्स रबर और रबर का ही होता है आपका ऑयल से, मैक्सिमम सब ओरिंग होते, सारे ओरिंग ही होते हैं. तो किसी भी ओरिंग से लीकेज है तो आपको गन प्रॉब्लम दे सकता है. तो इसीलिए अगर मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास समय होता है तो आप ऑनलाइन से परचेसिंग करके रख लीजिएगा एडवांस में, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कब ओरिंग से लीकेज होगा, कोई गारंटी नहीं है. तो वैसे तो चैलेंज चल जाता है, आज तक 3 साल हो चुके हैं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया. तो मैं आपको धीरे धीरे इस गन को कैसा खोलना है, कैसा बनाना, रिपेयरिंग को मैं दिखा दूंगा. चलिए आप और अगर आप लोगों को इस चैनल को अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि और किस तरह का आपको वीडियो देखने को पसंद है. एक्चुअली मैं तो यूट्यूब पर नया हूँ, तो इतने भी आइडिया नहीं है, एडिटिंग करने का भी कोई टेक्निक नहीं है. तो इसके लिए मैं सिंपल वीडियो अपलोड करता हूँ. तो कुछ दिन बाद आपको शूटिंग का वीडियो भी देखने को मिलेगा. तो कैसा होगा आप लोग चैनल को देख लीजिएगा, और एनी सजेशन तो वेलकम. तो चलिए मैं आपको इस राइफल को खोल खाल के दिखाता हूँ रिपेयरिंग किस तरह से करना है. सो जैसे कि मैंने ये अपने गन की स्कोप ऑलरेडी खोल चुके हैं, तो स्कोप खोल रहा है मैंने, और ये जो बट का जो मेन जो गन का जो मैकेनिज्म है जो पकड़ के रखते हैं, उस नोट को भी मैंने खोल कर रखा हुआ है. ये खोल दिया मैंने. तो अब हम इसे बट से अलग करेंगे. तो खोलने के बाद कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा गन. ये तो ये मैंने बट खोल के निकल दिए, तो इसको साइड कर दीजिएगा. तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आप बैरल खोलेंगे. तो बैरल खोलने के लिए आपको ये जो 2 नॉट है इसको अनस्क्रू करना है. इसके बाद यहाँ से आप खींच के निकालना है. और याद रखिएगा इसमें एक ओरिंग है, संभाल के निकालिएगा. वो निकाल जाने के बाद तो आप इस लॉक को भी खोलेगा.
जो बैरल को होल्ड कर रखता है, एंड देन आप प्रेशर गेज, इसके बाद आप ये जैसे कि मैं ये रबर इसको निकल सकता है आराम से, इसको निकालिएगा इस तरह से, ये निकल गया ठीक है। तो ये जितने सारे यहाँ एलन कीस हैं, स्क्रू है, ये जो खोलेगा, इसके बाद आप ये जो इसको भी आप खोलिएगा, तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मेरा जो प्रॉब्लम है लीकेज का, वो गन का इस साइड से नहीं, इस साइड से ये यहाँ से नहीं है। अगर यहाँ से लीकेज होता है वैसे हमको, मुझे यहाँ का ओरिंग चेंज करना है, यहाँ का ओरिंग, लेकिन मेरा जो लीकेज है यहाँ से नहीं, ये जो पीतल का जो है, ये पीतल इस जॉइंट से मेरा लीकेज आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ का ओरिंग चेंज करना है। तो बहुत ही आसान है चेंज करने में। अगर आप लोगों के पास इसका पार्ट अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप आराम से घर बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से खोला जाए और इसका रिपेयरिंग कैसा होगा, मैं दिखाऊंगा आप सब। सो नेक्स्ट स्टेप है, आपको जो बैरल खोलना है, तो बैरल के लिए आप ये जो दो स्क्रू एलन की, इसको पहले लूज़ कीजिएगा एलन की के थ्रू। तो इस एलन की से मैं इसे खोलूँगा एंटी क्लॉकवाइज। ये देख लीजिए किस तरह से खोलना है। और स्क्रू को खोलने के बाद संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ मिलना बहुत मुश्किल है। तो जैसे कि मैंने ये दो सारे स्क्रू खोल चुके हैं, तो इसके बाद अब बैरल को हम यहाँ से पुल आउट करेंगे, हल्का हल्का से घुमा घुमा के ऐसा। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसमें नोट डाउन कीजिएगा। ये देखिए, ये जो स्क्रू का ये जो दागी है, जब बाद में आप इसको पिटिंग करेंगे बैरल को, तो ये जो दाग है एग्जैक्टली इस होल पर मिलना है। तो आपको इस तरह दो दाग, जो पुराने स्क्रू के दाग हो, वो मिलेगा, याद रखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता खींच के निकलिएगा। ये देखिए ओरिंग के साथ आ रहे हैं, ये देखिए। इसके बाद रिवर्स, यहाँ से आप बैरल को वापस निकालिएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आगे भी एक ओरिंग है, और पीछे जैसे मैंने कहा था आपको, ये जो दाग है, ये जो दाग है, जब आप वापस पिटिंग करेंगे तो एग्जैक्टली होना है। और इस पे ये जो ओरिंग है, यहाँ से तो मेरा कुछ लीकेज नहीं है। तो नेक्स्ट, बैरल तो खोल लिया, नेक्स्ट हम इसके आप सिलेंडर को खोलेंगे, एयर सिलेंडर को। तो देखते रहिएगा इस चैनल को। तो गाइस, जैसे कि मैंने ये बैरल मैं गन के इस केबिनेट से मैं सेपरेट कर चुका हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो जो इसको के जो दाग हैं, जब आप सिलेंडर को रिपेयर करने के बाद, जब यहाँ पे जब आप इंसर्ट करेंगे, तो एग्जैक्टली ये होल में वो पुराने दाग एग्जैक्टली सेंटर पे आना है, तब जाके आप स्क्रू को टाइट कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो है, मैं ये जो एयर टैंक है, जो हमारे इस टैंक को मैं इस कैबिनेट से मैं सेपरेट करूँगा। तो ये भी बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से करना है। देखिए, ऑलरेडी बैरल खोल चुका, तो कुछ इस तरह देखेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको हाथ से खोल सकते हैं, या आप इस पर यू क्लैंप लगाइएगा सपोर्ट के लिए। तो आप इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज आराम से इस तरह, ठीक है।
ये जो है हमारे बेल्ट का स्प्रिंग है, इसको संभाल के रखिएगा साइड पे। ये देखिए अंदर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अंदर कुछ सफेद 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 सा है, ये टेफलॉन जो लगा हुआ है। तो मैंने जिस तरह कहा कि मेरे यहाँ से जो एयर है लीकेज नहीं है, मेरे जो एयर जो टैंक्स है में जो लीकेज है, मेरे यहाँ से लीकेज हो रहा है, तो मुझे यहाँ का वायरिंग चेंज करना है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो मैं अब इसको भी खोल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि इस पार्ट में तो मुझे कोई डिफेक्ट नहीं है, तो इसे मैं छेड़ूंगा नहीं, उसे मैं एजी तेजी से रखूंगा। अगर हाँ, अगर आपका यहाँ से अगर लीकेज है इस तरफ साइड से, तो आप क्या करेंगे, इस टेप्लॉन के अंदर के ये जो ओरिंग है उसको आप चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं अब आपको दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से बदलना है। तो दोस्तों, ये वाले जो लीकेज थे उसे तो मैंने ओरिंग डाल के बना लिया, लेकिन उस बनाते वक्त पता नहीं फ़ोन को क्या हुआ कि मेमोरी करप्ट हो गया, तो इसका वीडियो मैं बना नहीं पाया, बनने के बाद एडिट नहीं कर पाया। तो ओरिंग यहाँ लगा लेने के बाद मैंने पाम देने के बाद पानी में डुबो के देखा कि और कोई लीकेज है ना नहीं है, तो यहाँ का लीकेज तो ठीक हो गया। देखा तो यहाँ से भी लीकेज चल हुआ है, तो मैं आपको इसको खोल के दिखाऊंगा कि यहाँ का ओरिंग कैसा चेंज करना है। यहाँ ये ओरिंग और ये वाले ओरिंग दोनों एक ही है, डालने का तरीका भी एक है। तो आप लोग बने रहिए और ये वीडियो देखते हैं मैं किस तरह इसे खोलता हूँ, किस तरह बनाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला लीकेज मेरा ठीक हो गया। अब ये वाला लीकेज इस जगह से लीकेज होता है, पानी में डूबोने से बबल्स पूरा निकल आता है, तो उसको मैं बना के दिखाऊँगा। तो सबसे पहले ये वाले को वायरिंग चेंज करने के लिए फिर से बैरल खोलना पड़ेगा, इसका सिलेंडर का जो हवा है इसको पूरा निकलना पड़ेगा। फिलहाल तो ये 50, हाँ ऑलमोस्ट 50 से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसको खोलने के लिए ये कवर खोल के इस गैस के थ्रू एयर को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद ये वाले इसको जहाँ से हम पंप लगाते हैं यहाँ से टोमीवर की लगा के घुमा के आप निकाल सकते हैं और आराम से। और आप मैंने ये पोलेट पार्ट्स लेके रखे स्पेयर्स, तो ये वाली ओरिंग लगेगी इसमें, ये वाली, तो जो बच जाता है वो कभी दिन दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसमें इस्तेमाल करने के लिए। तो इसका प्राइस भी देख लीजिएगा। और आप इसको कोई भी एयर गन ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है आजकल, तो फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप किशोर स्पोर्ट्स कंपनी से ऑनलाइन मार्केट से ले लीजिएगा, तो डिलीवरी अच्छे हैं और पार्ट्स पूरे जेन्युइन हैं। तो चलो अब हम इसे खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे इसके हवा निकालते हैं, तो जिसके लिए आप बहुत संभाल के प्रेशर गेज को आहिस्ता आहिस्ता घुमाइएगा। हवा निकाल रहे हैं, तो पूरे टैंक खाली होने दीजिएगा। टैंक खाली होने के बाद प्रेशर गेज को निकाल लीजिएगा और ये बैरल जो लोग इसको हटाइए, और ये कवर जो हटाने के बाद तब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए हवा कम होते जा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं आप लोग, पूरा जीरो पे आ जाइए, आने दीजिएगा गैस को, पूरा एम्प्टी कीजिए सिलेंडर को। तो जैसे कि ये गेज जो पूरा जीरो आ चुके हैं, तो हम इसे प्रेशर गेज को पहले निकालेंगे। तो ये प्रेशर गेज इसको
इसका भी ओरिंग हल्का हल्का से कट चुका है, तो मैं इसे भी चेंज करूँगा। तो इसके बाद बैरल खोलूँगा मैं। तो ये बैरल पूरे बाहर आ चुके हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है, ये जो दो मार्क है, ये वाले और ये वाले, इसके जो बैरल को आप दोबारा इंसर्ट करेंगे रिसीवर पे, तो ये दो होल पे दिखाई देना चाहिए, ताकि ये जो मेन होल, ये होल जो रिसीवर पे एग्जैक्टली लग सके। अब हम इसके जो कवर है, इसको हम निकालेंगे। बहुत ही आसान सा है। तो यहाँ पे भी ओरिंग लगा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसको यहाँ से टॉमी बार या कोई भी स्क्रू ड्राइवर लेके आप इसको घुमा के इसको खोलना है। तो आपको मैं खोल के दिखाता हूँ किस तरह से करना है अभी। तो अब मैं इसे इस स्क्रू ड्राइवर के मदद से खोलूँगा। जैसे कि मेरे ये वाले ओरिंग से लीकेज आ रहा है, तो मैं इस वाले ओरिंग को चेंज करूँगा अभी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया कि ये जो ऑलरेडी मैंने ओरिंग लेकर रखे हुए हैं, इसे मैं यहाँ लगा दूँगा। तो मैं इस ओरिंग को अब मैं इस सेफ्टी पिन के थ्रू निकाल लूँगा। ये ऑलरेडी कट चुका है, बहुत सारा छोटी छोटी क्रैक बना है, आपको शायद मोबाइल पे दिखाई नहीं देगा। जैसे कि ये देखिए, इतना हार्ड हो गया कि ये खुद ब खुद टूट गया। तो अब मैं इसके जगह ये ओरिंग लगाऊंगा। और याद रखिएगा, लगाते वक्त आप जैसे भी हो सिलिकॉन ग्रीस का इस्तेमाल कीजिएगा, या सिलिकॉन जेल, या कोई भी आप ग्रीस, या थोड़ा सा गन ऑयल होने से भी, ताकि लगाते वक्त ओरिंग कट ना जाए। तो जैसे कि मैंने ये सिलिकॉन ग्रीस निकला यहाँ लगा दिया, अब इसे चारों रुपये लाऊँगा। तो ये जो ग्रीज, सिलिकॉन ग्रीज है, ये भी कोई भी गन सब से मिल जाता है, या इफ़ नेसेसरी आप क्रिशियल के ऑनलाइन से ले सकते हैं। कटना जाए इसका, आहिस्ता आहिस्ता लगाऊँगा मैं इसे। ये मैंने लगा दिया ऊपर से, फिर मैं तोरे सा ये सिलिकॉन जेल लगाऊंगा, ताकि अच्छे से पकड़ बनाए और लीकेज ना हो। और इसके अंदर भी आपके एक छोटे से नोट है, इसमें भी आपका ओरिंग है। अगर आपका यहाँ से लीकेज होता है, जहाँ से पाम हम लगाते हैं, यहाँ से अगर यहाँ से लीकेज आ रहा है, तो आप इसको टाइट कीजिएगा, इस नोट को, ये भी एलन की नोट है, या इधर आप इसको खोल के इसका ओरिंग को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो आपका यह पंप लगाने वाले से टोटली लीकेज नहीं होगा। तो चलिए, ये मैंने ओरिंग चेंज कर दिया। बहुत ही आसान है दोस्तों। तो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, मुंबई भेजने का दरकार नहीं है, या कोई भी गन रिफेयरिंग शॉप भेजने का दरकार नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसमें फिटिंग करूँगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, क्लॉक वाइज आराम से लगा दीजिएगा। और इतना भी टाइट नहीं करना है, लिमिटेड टाइट होना चाहिए बस। फिर ज़रा टाइट होगा, फिर आपको ओरिंग कटने का डर रहता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने ये फिटिंग कर लिया है,
ये वाले और रिंग तो सही है, तो मैं इसे मैं चेंज नहीं करूँगा। तो इसके बाद आप इसका कैप लगाइएगा, ये वाले ये जगह से होल मिलना चाहिए, ये हो गया आपका। तो इसके बाद मैं ये बैरल वाले इस पोर्शन को मैं लगाऊंगा, ये आ जाएगा यहाँ पे बैरल वाला इस तरह से। अब मैं इस पे यहाँ पे एलन की इनके जो नोट है वो दोबारा लगाऊंगा। तो जैसे कि मैंने ये कवर अप लगाने के बाद ये बैरल इसको या इस तरह से जोड़ देना है, और ये जो ओरिंग है ये वाले इसको आप स्क्रूड्राइवर की सहायता से और अंदर धकेल दीजिएगा ताकि ये बैरल को हिलने धुलने से बंद करे। और ये बैरल मैंने एग्जैक्टली आप देख रहे हैं मार्क दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने एग्जैक्टली मिलाया हुआ है। तो अब मैं इस पर इसका नोट स्क्रू डालूँगा अभी, बैरल को सही तरह एडजस्टमेंट के लिए आप एक बार कुक कीजिएगा, मैगजीन को यहाँ भीतर लगा लीजिए एक बार। तो बैरल जा रहा है पीछे आ गया, ठीक है, इसको यहाँ लगाएंगे। तो बैरल डालते वक्त ये होल को एग्जैक्ट मिला लीजिएगा, मिला लेने के बाद पहले एक एम्प्टी मैगजीन लगा लीजिए, एम्प्टी मैगजीन, और इसके डालने से पहले कोकिंग लीवर को कोक करके ये सफ़ेद आ रहे हैं इसको थोड़ा हल्का सा उंगली से घुमा लीजिए, इसके बाद कोकिंग लीवर ठेल लीजिए, ये अंदर सीधा लॉक हो जाना चाहिए। अगर सीधा लॉक हो गया तो दैट मीन्स कि मैगजीन आपको सही बैठा हुआ है। और यहाँ से बैरल को देख लीजिएगा, अगर होल सेम एग्जैक्टली है तो ये बैरल एग्जैक्ट है, तो आप इसे स्क्रू दे के आप टाइट कर दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सब सारे एलन की हैं, छोटी छोटी स्क्रू है। ये वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं जो छोटी छोटी डिफेक्ट के कारण मुंबई भेज देता है, तो मैं उन सब दोस्तों को दिखाना चाहता हूं कि आप घर बैठे बैठे किस तरह से आप अपने इस पीसीपी और एप्पल को बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया मेरा, ये देखिए मैगजीन आप बाहर निकाल लीजिएगा, ये तो अब ये पोर्शन तो हो गया, अब मैं इसे फिटिंग करके दिखाऊँगा। तो ये जो इसमें एक ओरिंग लगा रहता है, ये ओरिंग इस तरह रहेगा, तो ये चीज़ जो है जहाँ ओरिंग पकड़ना है ये बाहर नहीं होगा, ये अंदर ही रहेगा इस तरह। तो इसके बाद ये जो ओरिंग है इसे आप इसको ड्राइवर के थ्रू या कुछ दूसरे औजार लेके इसको अंदर ठेल दीजिएगा ताकि ये बैरल जर्क नहीं कर सकेगा, मोमेंट नहीं होगा। तो ये हो गया, अब इसमें मुझे प्रेशर गेज डालना है। तो प्रेशर गेज ये है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे प्रेशर गेज जो है इसका भी ओरिंग जो क्रैक हो चुका है, तो इसे मैं नया लगाऊंगा, ठीक है। तो इस ओरिंग को भी आप सिलिकॉन फ्रिज लगाइएगा, ओरिंग लग चुका है ओरिंग।
में से यहाँ पे पिटिंग कर लीजिए। अब इसके लिए आप टाइट करने के लिए कोई भी स्लाइड रेंज या चेन रेंज ले लीजिएगा। तो इसे भी इतना टाइट नहीं करना है, जस्ट मीडियम। इतना और आप मैं इसे यहाँ पे मैं एलन की लगाऊंगा, एलन की स्क्रू लगाऊंगा बैरल के। यहाँ पे 3 एलन की स्क्रू लगानी है मुझे। तो जैसे कि मैंने फिटिंग कर दी है ये, तो गेज अभी 0 है। इसे मैं फिर हवा भर के फिर चेक करूँगा यहाँ पे, या आप शैम्पू के पानी से या आप डायरेक्ट बाल्टी में डुबो के देख सकते हैं कि एयर लीकेज अभी भी है या नहीं। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है बनाने में। कल मैंने यहाँ के ओरिंग चेंज किए थे, आज मैंने यहाँ के किया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे चैनल को पसंद आया या इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के बना सके रिपेयरिंग के लिए। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आपको शूटिंग वीडियो भी दिखाऊंगा मैं, कितने तक किस किस रेंज में और किस तरह से इसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो 25, 30, 40,000, 50,000 तक मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी फिटिंग कर चुके हैं, तो अब मैं इसे पंप लगा के पानी में बाल्टी में डुबो के देखूँगा कि यहाँ पे लीकेज अभी भी है या नहीं। तो देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कितनी आसान है बनाने के लिए। टी सी पी यार घर बैठे बैठे तो आपके पैसा भी बचाते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक सजेशन जरूर दूंगा, आप जब भी स्पेयर पार्ट लेके जेन्युइन लीजिएगा। इतना भी दाम नहीं है, काफ़ी चीप रेट में मिल जाता है ये स्पेशल ऑनलाइन से मार्केट में। तो तब तक के लिए मेरे चैनल बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मैं आने वाले वीडियो में आप लोगों को शूटिंग वीडियो और या कुछ और दूसरे रिपेयरिंग के वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा बना के लेके आके। तो चलिए तब तक दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद।